तो नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, और फटाफट आप क्लास में ऐड होते जाइए। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हमारी नेटवर्क की वजह से। नाउ अभी कोई बच्चा थोड़ी भी हरकतें नहीं करेगा, इट मीन्स की थोड़ी सी बदमाशियां जो हम लोग करते हैं ना वो नहीं करेंगे। मैम की हेल्प करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, ओके। तो आपके पास सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर दिखाई दे रही है तो यस बोलेंगे। ठीक है, एंड होप कि अभी मैंने स्क्रीन पे इसे बड़ा सा कर दिया है तो वो पूरा बड़ा दिखाई देगा। आप सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर दिखाई दे रही है तो आप सिर हिलाकर यस करेंगे। ओके, थैंक यू। चलो, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज की टॉपिक क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक। देखिए, जैसे चित्र बनाने वाला, चित्र बनाने वाला क्या होता है? चित्रकार। चित्र बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? चित्रकार। गाना गाने वाला, गाने गाने वाला क्या होता है? वो गायक। ठीक है, अगर हम बोले कि रमेश गाना गाने वाला है तो ये कुछ लंबा है, लेकिन हमने बोल दिया रमेश गायक है। तो इतने सारे शब्दों के लिए हमने सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया और पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है देश की रक्षा करने वाला सैनिक। देश की रक्षा करने वाला सैनिक। उसके बाद आपका एक और पॉइंट है, खेती करने वाला। खेती करने वाला कौन है? वो किसान। हम बोलेंगे कि हाँ, रोहित खेती करने वाला व्यक्ति है, तो इससे अच्छा हम क्या बोल सकते हैं? रोहित किसान है। तो इतने सारे शब्दों के लिए जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, हेलो, तो मैम आप म्यूट हैं। मैम आप म्यूट हैं। मैम, हाँ, जो पढ़ाता है अध्यापक। घोड़े पर सवार करने वाला घुड़सवार। अब सरीम आप पढ़ेंगे नीचे तीसरा वाक्य, उसके बाद घोड़ा के रहने का। हाँ, घोड़ों रहने स्थान, घोड़ों के रहने का स्थान, उसका नाम क्या होगा? अस्तगल। यस मैम। घोड़ों के रहने का स्थान क्या बोलते हैं? अस्तमान। अस्तबल। 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 हाँ, अस्तबल। उसके बाद अगला वाक्य पढ़ेंगे, युग प्रकाश पढ़िए। यस मैम। जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार। जिसकी तबीयत, भेड़ बकरी है। एक मिनट आराम से पढ़ते हैं बेटा। जिसकी तबीयत ठीक नहीं है उसे क्या पढ़ेंगे? बीमार। बीमार।
और उसके साथ दूसरा क्या है, भेड़ बकरियों का पालन करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? गड़ेरिया। गड़ेरिया, भेड़ बकरियों का पालन करने वाले को क्या बोलते हैं? गड़ेरिया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्या है, अगला पढ़ेंगे राजीव रंजन। नहीं, राजीव रंजन से मैं दो दिन बात कर रही हूँ। हाँ पढ़िए बेटा, अगला क्या है, लास्ट वाला। ओके मैम, पक्षियों का घर घोंसला। पक्षियों का घर घोंसला, और जितनी बार आप एक बार पढ़ लिए अपने आप को फिर म्यूट कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है? चलिए उसके बाद मोहित राज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अंगड़ाई लेना बंद कीजिए। चलिए आगे, अगला भी वाक्य पढ़ना है आपको, ठीक है? अगले पेज पे जाएंगे अभी हम। यस मैम। हाँ चलिए पढ़िए पहला। हाँ पढ़िए। जो मांस नहीं खाता शाकाहारी। यस, जो मांस नहीं खाता वो शाकाहारी। तो ये तीन चार शब्दों के लिए हमने एक शब्द यूज किया। श्रेयांश राज आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। चलिए अगला। यस मैम। अगला पढ़िए आप। जहाँ छात्र पढ़ते हैं विद्यालय। विद्यालय, और अब तो हम इसे ऑनलाइन क्लास भी कह सकते हैं ना। यस मैम। हाँ, अब आंसर देने के बाद पढ़ने के बाद फिर अपने आप को म्यूट करते जाएंगे। चलिए परिशी। परिशी बेटा, परिशी राज, नहीं सॉरी प्रांसी राज। प्रांसी राज। यस मैम। चलिए अगला पढ़िए। जो बीमारों का इलाज करता है चिकित्सक। चिकित्सक। अंशिका सो रही है क्या? अंशिका सिंह, हाँ सो ही रही थी। चलिए अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और उससे फिर अगली अगला बोलेंगे। सुज्ञान। सुज्ञान अनम्यूट। यस मैम। यस पढ़िए क्या। यस मैम। जिसे देखकर डर लगे डरावना। जिसे देखकर डर लगे वो क्या कहलाता है? डरावना। जो चित्र बनाता है चित्रकार हो ही गया है, ठीक है? ये कौन है जो बार बार हिल रहा है? सरीम कहाँ घूम रहे हो, अपने फोन को कहाँ घुमा रहे हो? कीर्ति अनम्यूट योर सेल्फ। चलिए अगला। yes, जो चित्र बनाता है चित्रकार। हो गया उसके आगे वाला पढ़िए। जो भारत का रहने वाला हो भारतीय। यस, जो भारत का रहने वाला हो भारतीय। दीक्षा उसके बाद आप अपने आप माइक को अनम्यूट करेंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ उसके बाद अभी आता है दूसरा पेज, उसको आपको पढ़ना है। चलिए पढ़िए। जिसमें आप आंसर बताइए, जिसमें दया है। दयालु। दयालु। सरीम बदमाशी नहीं करना है। अमृता राज अनम्यूट योर सेल्फ, आपको म्यूट कर लो। यस मैम। चलो बेटा बोलो। तरह तरह के रंगों वाला। रंग बिरंगा। रंग बिरंगा। रियान समी अनम्यूट योर सेल्फ। रियान। यस मैम। उसके बाद आगे पढ़िए। जो मांस खाता हो मांसाहारी, ठीक है? अविनाश पांडे अनम्यूट योर सेल्फ। मांस। अविनाश पांडे अनम्यूट योर सेल्फ। अविनाश अनम्यूट को। यहाँ पुस्तक रखी जाती है। जहाँ पुस्तक रखी जाती है वहाँ क्या बोलते हैं बेटा? अवनी अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। ओके अवनी तो चली गई, रुको रुको। अवनी अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। जस्ट टेल मी जहाँ पुस्तक रखी जाती है। जहाँ पुस्तक रखी जाती है पुस्तकालय। पुस्तकालय। अंकित कुमार अनम्यूट योर सेल्फ।
अंकित अनम्यूट योरसेल्फ। ऐसे मैं परमिशन देती हूँ आप लोगों को खुद से अनम्यूट करने के लिए मुझे, लेकिन सभी बच्चे नहीं करेंगे, जिसका मैं नेम लूंगी सिर्फ वही करेगा। अभी जिज्ञान श्रेष्ठ आपका माइक कर लीजिए, ठीक है? जिसका मैं नेम लूंगी वही बच्चे अपना माइक ऑन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। जहां पुस्तक रखी जाती है, अंकित, अंकित कुमार, ओके, श्रेयसी, जो आलस करता हो, जो आलस करता हो, आलसी, जो आज्ञा मानता हो, आज्ञाकारी, जो आज्ञा मानता हो, आज्ञाकारी। उसके बाद फिर नेक्स्ट, शिट, आज नेटवर्क को क्या हो गया यार, हार्ड हो गया। सो अभी आपको नेक्स्ट पेज पर दिख रहा है, बहुत सारे अनेक शब्द हैं, सबको दिख रहा ना? स्तुति, यस और नो? ओके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ पर हम लोग कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसको पढ़ते हैं। वो क्या है? जिसकी जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसे क्या बोलते हैं? अमर। जिसमें दया की भावना हो उसे क्या बोलते हैं? दया की भावना न हो, सॉरी, जिसमें दया की भावना न हो, निर्दय। अच्छा, स्तुति, नहीं स्तुति से भी मेरी बात हो चुकी है, निशु रॉय, यू से भी हो गई है, जिज्ञान श्रेष्ठ से भी हो गई है, मयंक से भी बात मेरी हो चुकी है, कृतज्ञा से भी हो चुकी है, आदित्य कुमार से नहीं हुई है, पर आदित्य से क्या बात करना, उसकी तो माइक ही ऑन नहीं है। राजू से भी मेरी डेली बात होती है, कौन बच्चा है जिससे मेरी बात नहीं हो पाती है? कन्हैया जी, कन्हैया जी से मेरी बात नहीं हुई है काफी दिनों से। हाँ कन्हैया जी, अनम्यूट मैम। ओके, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी बट आपको आंसर बोलते जाना है, ठीक है? यही पेज है आपके सामने, दिस इज माय क्लास। सो जिसका आदि न हो, कन्हैया जी आंसर क्या होगा? मैम क्या? जिसका आदि न हो। मैम क्या? जिसका आदि न हो, अनादि, अनादि, जिसका आदि ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनादि। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा है हमारा, जिसका आदि ना हो, अनादि, जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, जो दिखाई न देता हो, अदृश्य, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, इनक्रेडिबल, जिसका कोई आकार न हो, निराकार, जो जानने की इच्छा रखता हो, रखता है, जिज्ञासु। कक्षा के सभी बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, इतिहास लिखने वाला, इतिहासकार, ठीक है? तो ये कुछ अनेक शब्द हैं जिनके एक शब्द आपके सामने दिए हैं। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप अपनी उस कॉपी में लिखेंगे जिसे मैम बोल रही हैं कि आप अपनी एक व्याकरण की कॉपी बनाए हैं जिसमें आप सारा व्याकरण एक साथ लिखे हैं, ठीक है? अब हम दूसरे पेज पर चलते हैं।
ये हमने पढ़ लिया। अब ये दूसरा पेज क्या है देखो बच्चों, कल्पना करो कि अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द प्रयोग करने के लिए उपलब्ध न होते तो हमें अपने विचार मौखिक अथवा लिखित रूप में व्यक्त करना कितना कठिन होता। सारिम क्लास में रहो, किसके साथ खेलते रहता है, कौन है सामने कैमरा कर तो उसकी तरफ मैं देखूं, भैया है, दीदी है, मम्मी है, पापा है, ये सामने टीवी ऑन है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, बदमाश बच्चा, इतनी बदमाशी करते हैं क्लास में। चलो तो सोचो इतना लंबा हमें बोला, अब बदमाश सारीम जो शरारते करता है तो शरारती बच्चा, ठीक है, अनोखे और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आपको होमवर्क नोट करना है। होमवर्क क्या है आपका, भाषा अभ्यास में अब सारीम ही पढ़ेगा, और सरीम कल से मैं क्या करूंगी पूरा क्लास में अनम्यूट करो योरसेल्फ, सारी क्लास में आप सरीम तुम अनम्यूट रहोगे। चलो अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ो सरीम। चलो मैं ही पढ़ू, बाबा बोलते गृह कार्य भाषा अभ्यास में आए सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को एक साथ लिखें। आपको क्या करना है, भाषा अभ्यास में जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है वो सारा एक जगह लिखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए हमें क्या, अगर ये शब्द न होते तो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी बातें कहनी पड़ जाती, ठीक है। लेकिन मैम सब बच्चे भेज रहे हैं, क्या भेज भैया, सब बच्चे भेज रहे हैं, अच्छा तो फिर इसमें क्या है, कल से मैं चैट भी ऑफ कर दूंगी बेटा, ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है मैम के लिए, तो बहुत सिंपल बात है, कल से मैं चैट भी ऑफ कर दूंगी, फिर आपको जरूरत भी होगी तो आप जो है मैम से चैट नहीं कर पाएंगे। सभी बच्चों के पास पूरे 2 दिन का समय है, 2 दिन आप जो भी काम मैम ने किया है उसे पूरा कंप्लीट करके कॉपी प्रिपेयर करके रखेंगे, जब मंडे को मैम क्लास करेंगी तो मंडे को वो कॉपी सबसे पहले चेक करेंगे। ओके सो फॉर टुडे इट्स ओवर फॉर क्लास, बाय एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों को ना मुझे चैट भी ऑफ करना पड़ेगा, 72-73 चैट्स आ रहे हैं, एंड आई मैम कैन आई समवन इज जस्ट कॉपिंग एंड, तो बाय बाय एवरीबॉडी, कल की क्लास मंडे ओके मंडे नॉट फॉर द टुमारो, कल का मतलब नॉट फॉर टुमारो फॉर मंडे, मंडे को हमारे काम कंप्लीट होंगे और हम मिलते हैं, फॉर टुडे क्लास बाय मैम, हैव नाइस डे, हैव अ गुड डे।